हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और इनर वर्क अपना जो भी आप करते हैं या इनर नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, क्या आपको बताना चाहते हैं ईश्वर। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। आप अपने पर्सन का अपने मन में बहुत पॉजिटिव होकर के उनका नाम ज़रूर लीजिएगा। ओके, और अपने ईस्ट को सरेंडर करके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स का आया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त उन्होंने अपने आप को बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है। ओके, अपने आप को इस तरीके से आइसोलेट किया है, हर तरीके से कार्मिक एनर्जीज से जो भी उनके आसपास हैं, अपने आप को एक मतलब सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है उनकी लाइफ में, है ना। सभी जो पहले आपके साथ जब वो थे तब से लेकर अभी तक जो डॉट्स जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरीके से आप उनकी लाइफ में आए और उसके बाद उनमें क्या क्या चेंजेस आए, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। और जब वो ऐसा रियलाइज़ कर रहे हैं ना, तो उन्हें सभी पॉजिटिव चेंजेस अपने लाइफ में देख रहे हैं और वो फील कर रहे हैं कि आप जब उनकी लाइफ में रहते थे तब उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक खुशी जो होती है ना, मन का जो सुकून होता है, उनके चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ रहती है, हाई वाइब्रेशंस में वो रहते हैं, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, ये सभी चीज़ें उनको समझ में आ रही है। ओके, और हो सकता है वो इस वक्त मेडिटेशन भी कर रहे हो आपके पर्सन। और यहाँ पे आपके ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ना कुछ लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो आपके कनेक्शन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे आपके गॉसिप टाइप का कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से मुझे फील हो रहा है ना। कुछ तो ऐसा है या जो उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, उनका मन भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपके पर्सन ने जो है उनसे पूरी तरीके से कट ऑफ किया है। वो इस चीज़ से बिल्कुल भी उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है कि बाहर वाले क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, किसको पता है क्या नहीं पता है। वो सिर्फ अब अपने इस आपके साथ जो कनेक्शन है ना, उसको वो पूरी तरीके से समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये ना, क्यों वो भूल नहीं पाते हैं। उन्हें समझ तो आ रहा है कि ये सोल कनेक्शन है, लेकिन वो अब डीपर लेवल में इस कनेक्शन को जो है ना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्यों वो ऐसा हो रहा है कि बार बार वो जब भी आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं तो वो फिर से वापस बैक टू आप ही की तरफ आते हैं, ऐसा हर बार होता है। तो क्या है ऐसा जो उन्हें बार बार आपकी तरफ लेकर आता है। ओके, और जब मैंने ऐसा कहा है तो 222 देखा है मैंने, तो यहाँ पे आपके पर्सन आप लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ यहाँ पे बैलेंस में आना चाहते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर बहुत इमोशनल है और बहुत ज़्यादा अपने आप को पजेसिव फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हो सकता है आप अगर मैरिड हैं या फिर आप किसी और पर्सन के साथ में उन्होंने आपको देखा हो या फिर कुछ ऐसा उन्हें फील हुआ हो, रियलाइज़ हुआ हो, कुछ तो ऐसा उनके सामने आया है आपके लिए जो उनको उससे बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिवनेस फील हो रही है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो सिर्फ उन्हीं के हैं और उन्हीं के होने चाहिए, आप किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं, इस तरह की फीलिंग उन्हें आ रही है। और वो जब ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इस वक्त हो रहे हैं। ओके, इसीलिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट किया हुआ है इस वक्त, उनका मन इस वक्त किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन से जब वो गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका ध्यान जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। ओके, और ये सभी डिवाइन का प्लान है, क्योंकि ये जर्नी जो है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ओके, और ये 333 देखा है मैंने, तो डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स तक यहाँ पे ये वीडियो पहुँच रहा है, तो आप में से कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, ट्रू लव कनेक्शंस में है। तो यहाँ पे आपके पर्सन है ना, एक जो होता है ना अंदर की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन उनकी लाइफ में चल रहा है इस वक्त। हो सकता है आपके साथ नो कांटेक्ट में हो, ओके, और रिसेंटली अगर आपका सेपरेशन हुआ हो या फिर आपको ब्लॉक किया हो, कुछ इस तरीके का अगर आपको किया है, नहीं भी किया है, तो आप लेस कम्युनिकेशन में हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही रीज़न है कि आपके पर्सन बहुत सोच रहे हैं, बहुत एनालाइज भी नहीं कर रहे हैं, उनके अंतरात्मा उन्हें बहुत कुछ गाइड कर रही है इस कनेक्शन के बारे में।
ओके। और जैसे जैसे इस कनेक्शन की सच्चाई की परतें जो उनके सामने उठ रही है ना, परतें जो हट रही है इस कनेक्शन के सामने, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, और उन्हें सभी बातें एक एक करके याद दिलाई जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा। पुरानी सभी बातें, आपके साथ बिताए हुए हर हर पल, हर दिन जो आपके साथ बिताए उन्होंने, आपके साथ जो उन्होंने बातें की, हर चीज़ उन्हें याद दिलाई जा रही है। और देखिए, मैंने अभी 444 देखा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस वक्त, और वो आपके साथ आना चाहते हैं। ओके, जो भी उन्होंने गलतियाँ की वो सुधारना चाहते हैं इस वक्त। और ये 2 नंबर का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस आपकी लाइफ में, वो आपके पर्सन इस कनेक्शन में लेकर आना चाहते हैं। आप जिनको भी माइंड में रखकर इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज हैं। और देखिए, यहाँ पे वो यहाँ पे पूरी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, सॉरी 7 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उन्होंने अपने चारों तरफ है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। ओके, बाउंड्रीज क्रिएट किन से कर ली है? जो उनके आसपास ऐसे लोग हैं ना जो आपके लिए उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे, आपके प्रति उनके मन में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते थे, या आप या किसी भी तरीके से ना आपसे दूर करने की कोशिश करते थे ऐसे लोग, ये कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी, कोई कार्मिक, उनके स्पाउस, अगर अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, या जो भी सिचुएशन है, जो भी ऐसी एनर्जीज हैं, उनसे उन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं। ओके, ऐसा एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ रहा है, ये कनेक्शन की जो है ना रियलिटी समझ में आ रही है। और आपके पर्सन इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत इस तरीके की इतनी ज़्यादा इमोशनल एनर्जी पिक हो रही है। ये आपके पर्सन की बहुत मिसिंग एनर्जी तो है ही, और मतलब वो आना चाहते हैं किसी भी तरीके से, इस कनेक्शन को सुधारना चाहते हैं, फिर से नई शुरुआत करना चाहते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे नई शुरुआत बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे इस कनेक्शन की सच्चाई को समझने लगे हैं, उनके आसपास के लोगों की सच्चाई को समझने लगे हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ कि आप में और उनमें इतना डिस्टेंस आ गया। ओके, क्या ऐसी वजह रही, जबकि आप दोनों में इतनी अच्छा कम्युनिकेशन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी आपके बीच में डिस्टेंस क्यों आया? जब उनको समझ में आया तो उन्होंने अपने चारों तरफ ये बाउंड्रीज बना ली हैं, और ये वैंड अपने हाथ में जो ली है, ये उन्होंने उन लोगों के लिए ली है, उन लोगों से प्रोटेक्शन के लिए ली है जो यहाँ पे आपको यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं किसी भी तरीके से। हो सकता है यहाँ पे आपके कनेक्शन को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ओके, यहाँ पे यस डेफिनेटली वो आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपसे वो इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके आसपास उनकी थर्ड पार्टी कुछ ऐसी हो, कोई ऐसी फेमिनाइन एनर्जी मुझे फील हो रही है जो यहाँ पे उन पर काफ़ी नज़र बनाए हुए है। ओके, बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान रखे हुए है, तो इस वजह से आपके पर्सन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट हो पर्सन ही हो, कोई और सिचुएशन भी हो सकती है ना, कार्मिक एनर्जी, कोई भी थर्ड पार्टी जो भी हो, बट यस उनके आसपास कोई ऐसी एनर्जी जो है उनको जो है ना बहुत उनके ऊपर नज़र रखी हुई है, इस तरीके की मुझे फीलिंग आ रही है, तो वो उससे आपको प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, इसी वजह से वो आपसे इस वक्त कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, आपसे दिल खोल कर बातें करना भी चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और उसके बाद देखिए 6 ऑफ वेंड्स का कार्ड, तो यहाँ पे आपके पर्सन रेडी हो रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। और मुझे फिर से अगेन यही इंट्यूशन आ रहा है कि उनके आसपास कुछ ऐसे छुपे हुए लोग हैं ना, जो उनकी फैमिली मेंबर्स ही कुछ ऐसे हैं यहाँ पे, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, मतलब जो बहुत क्लोज है ना, वो ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो सुधरे, आपके रिश्ते में फिर से वही सब पॉजिटिविटी आए, वही सब प्यार जो आपके बीच में था है ना, वो फिर से आए। ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं यहाँ पे, और इस वजह से यहाँ पे आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन आपके पर्सन मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं। ओके, ये वैंड इन्होंने अभी भी पकड़ी हुई है, इस पर्सन ने वैंड अभी भी पकड़ी हुई है, और यहाँ पे ये जो बाकी के पर्सन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, 4 वैंड्स और लेकर खड़े, 5 वैंड्स और, तो यहाँ पे आप ये पूरी उनके आसपास जो है ना ऐसे लोग हैं जो उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, उनके जो प्रोटेक्ट मतलब उनके उनके आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनको चाहते भी हैं,
है ना, लेकिन ये आपके कनेक्शन के लिए पॉजिटिव नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ओके, पता नहीं किन के लिए है, बट जिनके लिए भी है उन तक यूनिवर्स ज़रूर पहुंचाएंगे। तो कुछ छुपे हुए पर्सन हैं ऐसे, कुछ जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ है, कुछ मास्क पहना हुआ है, ऐसे पर्सन हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे यूनिवर्स बट आपके पर्सन को गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें ये समझा रहे हैं। ओके, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है, और उससे मैनिपुलेट भी नहीं हो रहे। और डेफिनेटली यहाँ पे ये वैंड इन्होंने पकड़ी हुई है, और ये वैंड्स में जो स्प्राउटिंग हो रही है ना, तो स्प्राउटिंग मतलब नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू लीव्स आ रही है यहाँ पे ना। पतझड़ आने के बाद जैसे एक फिर से नए पूरा जो पेड़ होता है फिर से हरा भरा होता है ना, वैसे ही सिचुएशन यहाँ पे आपके कनेक्शन में भी होने वाली है। फिर से एक हारमोनियस रीयूनियन जिसे कह सकते हैं आप, वो यहाँ पे आपका फिर से होने वाला है, हारमोनियस रीयूनियन। और यहाँ पे आपको आपके पर्सन कमिटमेंट भी देंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे मैरिज का कमिटमेंट भी होगा, और आपके एनर्जी वाइज होगा व्यूअर्स ये रीयूनियन। ओके, बट डेफिनेटली यूनियन निश्चित है, निश्चित तौर पर आपका यूनियन होना ही होना है आपके पर्सन के साथ। ओके, हो सकता है यहाँ पे इस वक्त आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको अवॉइड कर रहे हैं, बट वो अवॉइड नहीं कर रहे हैं। ओके, आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, लेकिन वैंड उन्होंने फिर भी अपने हाथ में पकड़ी हुई है, अपने हाथ में पूरी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ पकड़ी हुई है। उन्होंने इस कनेक्शन को छोड़ा नहीं है, भूले नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं इस वक्त, याद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जितनी इंटेंसिटी से आप उन्हें मिस कर रहे हैं, आप उन्हें याद कर रहे हैं, जो फीलिंग्स आपके लिए, वही फीलिंग्स आपके पर्सन के मन में भी आपके लिए है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं व्यूअर्स, नेक्स्ट क्या एनर्जी है। वाओ, देखिए एम्प्रेस, ये एम्प्रेस का कार्ड जो है ना, मुझे ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। ओके, आपके पर्सन जो है ना इस वक्त आपके लिए इस एनर्जी में आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, आपके लिए आ रहे हैं। जो एक मदरली नेचर होता है ना, जो एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में, जो इस वक्त अभी तक आप थे ना, अब आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं। और ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है। ओके, ऑल जोडियक साइंस से ये कोरिलेट ज़रूर करेगी, रेजोनेट आपसे। बट हो सकता है आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट हो, कंप्लीट रीडिंग भी रेजोनेट हो सकती है, या फिर रेजोनेट हो कुछ रीडिंग का पार्ट ही रेजोनेट हो, बट रेजोनेट ज़रूर होगी। ओके, और यहाँ पे आपकी पर्सन यहाँ पे एक फ्रूटफुल रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से विक्ट्री चाहते हैं इस कनेक्शन में। ओके, वो अब माइंड में इस तरीके से अपना एक माइंड सेट होता है ना कि अब मुझे सिर्फ यही पाना है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, ये एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। ओके, और उसके लिए यूनिवर्स उन्हें गाइड भी कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसा स्पिरिचुअलिटी में फोकस कर रहे हैं आपके पर्सन ना, इस एनर्जी में तभी आ पा रहे हैं जब वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, उन भक्ति कर रहे हैं उनके लिए, आप कुछ कर रहे हैं ना, नाम जप कर रहे हैं किसी भी तरीके से, या हो सकता है कुछ व्यस्त एकादशी का व्रत भी कर रहे हैं और उसका फल आप अपने पर्सन को दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये उसी का प्रभाव है कि इतनी पॉजिटिव एनर्जीज में, एम्प्रेस की एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं। आप इसे एनर्जी वाइज लीजिएगा ना, जेंडर वाइज नहीं। और साथ में यहाँ पे आपकी पर्सन आपके साथ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपने ऐसा ड्रीम देखा हो अपने कनेक्शन की स्टार्टिंग में कि आपकी किड्स हो, आपके बच्चे हों, आप दोनों का ऐसा ड्रीम था, तो यहाँ पे वही ड्रीम वो फुलफिल करना चाहते हैं। उनकी फिर से यही विश है, उनके मन में सिर्फ यही विश है कि आपको पाना है किसी भी तरीके से। ओके, और वो एफर्ट्स डालने वाले हैं, डाल रहे हैं, या कुछ तो ऐसा एफर्ट्स डाल रहे हैं व्यूअर्स ना, कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के साथ मुझे ये जो लेडी है ना, इतनी पॉजिटिविटी के साथ फील हो रही है। और आप देख रहे हैं बहुत रिलैक्स होकर के इस काउच पर बैठी हुई है। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन को कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने ऐसा गाइड किया है, कुछ ऐसे ही आपके पर्सन को गाइडेंस मिली है, कुछ इंट्यूशन उनको दिया गया है कि वो किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ सकते हैं।
यहाँ पे आपके पर्सन को स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स, और एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत 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 पावरफुल आपने काम किया है, अपने ऊपर काम किया है और अपने पर्सन के ऊपर भी आपने उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया है व्यूअर्स, जो आपके पर्सन एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। ओ माय गॉड, एम्प्रेस के बाद देख रहे हैं आप टू ऑफ कप्स का कार्ड अगेन रीडिंग में। जिन भी व्यूअर्स तक ये रीडिंग पहुंच रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन देखिए इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ, ना ही इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, वो आगे से आपको प्रपोज कर सकते हैं यहाँ पे करेंगे, और वो आपको लव ऑफर करेंगे आपको। कि यहाँ पे हो सकता है आप इस वक्त नाराज़ हो उनसे किसी बात को लेकर के, आप उनको अवॉइड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन आपको मनाएंगे और मना लेंगे। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो आपको मनाएंगे और फिर से एक नई शुरुआत होगी। बहुत पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे आपकी नई शुरुआत होगी। और देखिए यहाँ पे अगेन ये टू नंबर का कार्ड है, तो टू टू की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे आपके कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, यहाँ पे एक संतुलन आने वाला है आपके लाइफ में, यहाँ पे एक हारमोनियस रीयूनियन यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। ओके, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं पूरी तरीके से, ना सिर्फ मेंटली, वो फिजिकली तो है ही रेडी, लेकिन मेंटली और सोल लेवल पर भी वो इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अब। ओके, अब वो, और ये कनेक्शन जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड भी है, और आप इस वक्त टेलीपैथिकली भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। अगर आपको आपके पर्सन की एनर्जी फील हो रही है, उनकी एनर्जी पिक हो रही है, तो आपके पर्सन को भी आपकी एनर्जी उतनी ही इंटेंसिटी से फील हो रही है, और आपकी मैसेज, आपकी जो इमोशंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उन तक ज़रूर पहुंच रहे हैं। ओके, वाह, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज, और ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है। आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये इस बात का भी कनेक्शन है। ट्रू लवर्स हैं आप, यहाँ सोलमेट जर्नी में हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड, तो यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में जो कार्मिक एनर्जी थी, जो थर्ड पार्टी थी, वो अब थक चुकी है। ओके, उसने बहुत परेशान किया आपको, सेपरेट करने की बहुत कोशिश की, बहुत सब कुछ कर लिया उसने, है ना, जो कर सकती थी, साम दाम दंड भेद हर तरह के उसने हर चीज़ अप्लाई कर ली है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, जादू टोना, तंत्र विद्या, हर तरह से उसने सब कुछ करके देख लिया है। अरे मैं नहीं कह रही हूँ व्यूअर्स ना, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ऐसे सब कह रही हूँ, मैं नहीं कहती हूँ, ये सब रीडिंग्स पे यूनिवर्स कहलवाते हैं, यूनिवर्स ही आपकी आपके पर्सन की एनर्जीज बताते हैं, मैं कुछ नहीं जानती हूँ ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में जो भी, अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन भी हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके लाइफ में जो कार्मिक एनर्जी है, जो थर्ड पार्टी है, ओके, वो यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सक कर रही है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे, और आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी लाइफ में यहाँ पे जो कार्मिक एनर्जी है वो अब थक चुकी है। ओके, ये जो ये तंत्र विद्या करके है ना, उसने सब कुछ करके देख लिया है, अब कोई असर ही नहीं हो रहा है आपके पर्सन के ऊपर ना आपके ऊपर। ओके, आपके पर्सन अब सिर्फ आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं यहाँ पे, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कोई कपल है यहाँ पे जो आपके कनेक्शन को तोड़ने की उसने पूरी कोशिश की है, आपको सेपरेट करने की कोशिश की है, और ये जो भी है ये थर्ड पार्टी जल्दी ही फ्रस्ट्रेट होके यहाँ से आपके पर्सन की लाइफ से, या आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे कार्मिक एनर्जीज हैं तो निकल रही हैं। और देखिए ये सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, तो यहाँ पे आपके पर्सन है ना अभी तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे इस कनेक्शन को लेकर के, उनका पूरा ध्यान जो है ना इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे था, उनकी डिज़ायर्स फुलफिल करने में था। ओके, और ये मतलब अब उनका जो फोकस था ना, और उनकी जो कार्मिक एनर्जीज थी या कोई थर्ड पार्टी थी, उस पर उसका पूरा फोकस था, उसकी तरफ उनका बहुत अट्रैक्शन था। ओके, लेकिन उनको जब समझ में आया कि ये तो कार्मिक एनर्जीज हैं, और कार्मिक एनर्जीज क्या होती हैं, जब उन्हें समझ में आई, तब उनका फोकस जो है इस डिवाइन कप पर है, उनका फोकस यहाँ पे अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर है, और साथ में यहाँ पे डिवाइन पर है, स्पिरिचुअलिटी पर उनका फोकस है। अब उनका जो उनके कन्फ्यूजन्स थे ना, वो यहाँ पे दूर हो रहे हैं, और यहाँ पे साथ में अब उनका फोकस जो है यहाँ पे
अपने डिवाइन पर है और अपने डिवाइन फेमिनाइन पर है, अपने काउंटर पार्ट पर है और आप पर है। ओके, उनका पूरा फोकस, जो कंफ्यूजन थे ना उनके मन में, वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल रही है उनको। और जगलिंग कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त। ओके, स्टिल थोड़ा जगलिंग तो कर ही रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनके लाइफ में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है। जगलिंग इस बात के लिए कर रही है किस तरीके से होगा, क्या होगा और किस तरीके से वो आपकी तरफ आएंगे। ओके, देखिए, बट यहाँ पे अगेन 2 की एनर्जी है, 222। यहाँ पे 3 times 2 नंबर के कार्ड आए हैं, 222 की एनर्जी है। तो आप जानते हैं 222 यहाँ पे आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, यूनिवर्स आपकी कनेक्शन में बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या आपकी पर्सन इस कनेक्शन से, ये थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ओके, परेशान हो चुके हैं। और ये 9 of Wands का कार्ड है, तो यहाँ पे ये जो उनकी जो ये सिचुएशन की है ना थर्ड पार्टी ने, वो यहाँ ख़त्म हो रही है। ओके, क्योंकि अभी भी इस पर्सन ने ये अपना वैंड जो है अपने हाथ में ही लिया हुआ है। आपके लव को उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो आपको भूले नहीं है ना आपको ठुकराया है। ओके, सेपरेशन में है लेकिन वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी निकले और यूनिवर्स उन्हें मूव ऑन करवा रहे हैं। देखिए, अगेन यहाँ पे यूनिवर्स इस सिचुएशन से मूव ऑन करवा रहे हैं, इस कार्मिक एनर्जी से मूव ऑन करवा रहे हैं। वाओ, देखिए, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे आपकी कनेक्शन में डिवाइन इंटरवेंशन ज़रूर होने वाला है या हो चुका है। ओके, यहाँ पे आपकी पर्सन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसको यहाँ से रिलीज़ करवा रहे हैं डिवाइन। ये जो कर्मा था ना, कुछ कर्मा, ये कार्मिक तभी तभी तक रहते हैं जब तक आपका कर्मा उनके साथ रहता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आप कर रहे हैं, या आप हो सकता है एकादशी का व्रत कर रहे हो, या आपके पर्सन ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि उनकी कर्माज रिलीज हो रहे हैं फास्ट। कुछ ऐसे गुड कर्माज क्रिएट हो रहे हैं, कर रहे हैं। ओके, ताकि वो आपकी तरफ आ सके, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं और उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं वो। उनका ध्यान अभी भी है, थर्ड पार्टी पर है। ओके, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये छोड़कर जाते हैं तो क्या होगा, क्या उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, और कुछ पास्ट कुछ कनेक्शंस थे उनके, उसके भी बैगेजेस वो लेकर चल रहे हैं इस वक्त यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 10 of Wands का कार्ड। अब आपके पर्सन जो है ना पूरी तरीके से थक चुके हैं और ये कार्मिक का जो बोझ है ना, वो यहाँ पे रखते हुए नज़र आ रहे हैं, साइड में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, दो कार्ड्स और देखते हैं। वाओ, देखिए हेरोफेंट का कार्ड। तो यहाँ पे अब आपके पर्सन, और ये साथ में 5 नंबर का कार्ड है, आपके पर्सन को यहाँ पे इतना सब होने के बाद ना, उनको ये विजडम आ रही है, ये जो एक अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की ना, स्पिरिचुअल नॉलेज उनकी बढ़ रही है और साथ में इस उनको इतना विजडम दिया जा रहा है, इतनी इंट्यूशन पावर उनकी हाई हो रही है और इस स्टेट में आ चुके हैं। अब उन्हें गलत सही का निर्णय तो लेना ही है और वो निर्णय लेंगे और उन्हें अब पूरी तरीके से इस कनेक्शन की जो सच्चाई है ना, वो समझ में आ चुकी है। ओके, कुछ ना कुछ यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया है, कुछ ऐसी की उन्हें दी है जो उन्हें इस कनेक्शन की सच्चाई को है ना पूरी तरीके से समझ चुके हैं वो यहाँ पे। और जब समझ चुके हैं तो यहाँ पे वो डिसीजन लेंगे। ओके, 3 of Wands का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 of Wands का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि वो निर्णय लेना चाहते हैं। ओके, इस कार्मिक एनर्जीज को से निकल के आपकी तरफ आने का निर्णय ले चुके हैं और बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन वो लेना चाहते हैं जो आपको, क्योंकि अब वो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, क्या रीयूनियन होके यहाँ पे आपके साथ एक नई शुरुआत होना करना चाहते हैं, जहाँ पे कोई बंदी से ना हो, कोई नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही हो, कोई किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना हो आपके पास है ना आसपास। वो चाहते हैं कि बस आप दोनों हो और कोई ना हो, कोई ऐसे ये 3D वर्ल्ड की कोई ऐसी नेगेटिविटी ना हो। जो एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी उनकी लाइफ में डेफिनेटली है, जो यहाँ पे नेगेटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है आपके कनेक्शन में। और यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह यूज़ किया जा रहा है ऐसा मुझे फील हो रहा है,
इस कार्ड को देख करके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप अपने पर्सन को प्रोटेक्शन ज़रूर दीजिए। और देखिए यहाँ पे रीडिंग ख़त्म कहाँ हुई है, 10 ऑफ कप्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फाइनली यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आ रहा है, आपके पर्सन देखिए फाइनली इस एनर्जी में आ चुके हैं या बहुत जल्दी आ जाएंगे। 10 ऑफ कप्स तो आप जानते हैं रीयूनियन का कार्ड है, रिकंसलेशन का कार्ड है, 10 नंबर है, न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत यूनिवर्स जल्दी आपकी कनेक्शन में करवाने वाले हैं। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली आपकी होने वाली है, आप बहुत एक बहुत खुश एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपके पर्सन यहाँ पे आपको मैरिज का कमिटमेंट देंगे, एक स्टेबिलिटी देंगे। मैरिज का कमिटमेंट यहाँ पे सभी के लिए नहीं होगा, है ना, आप जिस तरीके से भी अपना रीयूनियन मैनिफेस्ट किया उस तरीके का रीयूनियन यहाँ पे आपका बहुत जल्दी होने वाला है व्यूअर्स। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस व्यूअर्स। आपकी रीयूनियन की इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके पर्सन फाइनली इस रीयूनियन की एनर्जी में आ चुके हैं या बहुत जल्दी आएंगे। ओके, क्योंकि अब उनमें बहुत पॉजिटिव चेंजेस, बहुत एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी थॉट्स में हुआ है इस कनेक्शन को लेकर के। ओके, वो जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होकर के इस 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, और अपना पूरा का पूरा लव जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब आपको ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। ओके व्यूअर्स, 10 नंबर का कार्ड है, अगेन थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 222 की एनर्जी है यहाँ पे, 33 की एनर्जी है, 10 नंबर की एनर्जी है, तो न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत बहुत जल्दी होगी यहाँ पे व्यूअर्स। ओके, तो ये थी आपके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन मेजर चेंजेस आ रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में आ रहे हैं। और फाइनली इस 2 ऑफ कप्स के साथ में यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड, तो नई शुरुआत के साथ, रीयूनियन के साथ, रिकंसलेशन के साथ यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपकी होने वाली है आपके पर्सन के साथ। ओके, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। और 5 नंबर का कार्ड है, 10 नंबर का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली होने ही वाली है यहाँ पे। और सभी साइंस, सभी जोडियक साइंस के लिए रीडिंग है, तो आई होप व्यूअर्स आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। थोड़ा सो स्लो प्रोसेस रहा है आपकी जर्नी में, है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है आप काफ़ी सेपरेशन में भी रहे हैं, बट फाइनली यहाँ पे आपका जो पेशेंस है ना, आपकी जो तपस्या है यहाँ पे फाइनली रिजल्ट ला रही है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे लेकर आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो आप रीडिंग कैसी लगी आपको कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज। और आप जो कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच इतने पॉजिटिव कमेंट्स के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए और बहुत मन से, बहुत प्यार से ईश्वर का नाम जपिए, ईश्वर से कनेक्शन बनाइए, डिवाइन से कनेक्शन बनाइए, और डेस्परेट मत होइए यूनियन के लिए। और कभी भी कोई काम, कोई इनर वर्क, भक्ति, नाम जप यूनियन के इंटेंशन से नहीं करना। ओके, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा, और प्रोटेक्शन लेना कभी भी ना भूलें, चाहे कुछ भी हो, है ना। रीडिंग पॉजिटिव आई है, बहुत पॉजिटिव आई है, लेकिन फिर भी आपको प्रोटेक्शन हमेशा लेना है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आपने सभी ने सुना होगा, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।